चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने महंगाई बढ़ने के लिए 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए भाषण को जिम्मेदार बताया। विश्वास सारंग के बयान को लेकर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा, भाजपा इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर विषयों को भटका रही है। भाजपा का कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विषय से जनता को भटकाना चाहती है। आज महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, ये समाधान तो नहीं कर पाए और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापस आएगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या मोदी जी ने ये बयान सोचे समझे बगैर बोल दिया? विश्वास सारंग को यह बताना चाहिए कि क्या जनता पागल है, क्या भाजपा के सारे नेता पागल हैं? पटेल ने कहा, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। इसका कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, ये इसी तरह की अनर्गल बयानबाजी करके विषय को विषयांकित करना चाहते हैं। आज महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, ये समाधान तो नहीं कर पाए। इनको तो बात करना चाहिए, मोदी जी ने जो भाषण दिया था, अच्छे दिन के नारे दिए थे, काला धन वापस लाने की बात कही थी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, तो क्या ना समझ थे? बिना समझे बोल दिया था क्या? देश की जनता पागल है कि मोदी जी पागल हैं? ये विश्वास सारंग को बताना चाहिए या भाजपा के सारे नेता पागल हो गए? इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम देश को किस दिशा में लेके आ गए हैं और कैसे संभलेगा। आज जनता इनसे बहुत नाराज है और आने वाले समय में ये कहीं जा नहीं सकते सुरक्षा व्यवस्था के बिना। इतनी असंतोष है बेरोजगारों में, नौजवानों में, आज हर कोई आंदोलित है। 15 दिन से हमारे पंचायत कर्मी, पंचायत विभाग के जितने लोग हैं, आज गाँव की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने एक बयान में महंगाई के लिए देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। उधर विश्वास सारंग ने बयान को लेकर कहा है कि उसमें काटछाट की गई है। ठहराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव 1-2 दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।